गाने के शब्द को सुनकर गुलजार पर भड़के हनी सिंह, कहा वो लेजेंड है और मुझे गाली मिलती है। यो हनी सिंह का नाम आज इंडिया के मशहूर रैप सिंगर्स में शामिल है। उनके गाने यूथ के बीच खासे पॉपुलर हैं। एक वक्त था जब बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री में हनी सिंह के नाम का सिक्का चलता था। बेगानी नजर, लक 28, कुड़ीदा, आज ब्लू है पानी पानी जैसे गानों से अपने इंडियन फैंस का एंटरटेनमेंट करने वाले हनी सिंह जिस कला के कारण मशहूर हुए, उसी टैलेंट की वजह से ट्रोलिंग का भी उन्हें काफी सामना करना पड़ा। एक वक्त था जब हनी सिंह की आवाज बॉलीवुड की लगभग हर फिल्म और म्यूजिक एल्बम में सुनने को मिलती थी, लेकिन एक वक्त के बाद उनके गाने रिकॉर्ड होना बंद हो गए। हालांकि पिछले साल हनी सिंह ने सोनाक्षी सिन्हा, मोनी रॉय जैसे एक्टर्स के साथ एल्बम रिलीज कर म्यूजिक इंडस्ट्री में पावरफुल कमबैक करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्हें वो फेम नहीं मिला जो उन्हें अपने पहले के गानों से मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने उन्हें गानों को लेकर मिलने वाले हेट कॉमेंट और उससे डील करने के तरीकों पर बात की। हाल ही में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने उन्हें गानों को लेकर मिलने वाले हेट कॉमेंट्स और उससे डील करने के तरीकों पर बात की। उन्होंने लेजेंडरी लिरिसिस्ट गुलजार के गानों का उदाहरण देकर अपनी बात को रखा। हनी सिंह ने कहा कि उन्हें वैसे तो इस तरह की ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें लगता है कि फिर भी उन्हें इस बात का जवाब दे देना चाहिए। ब्लू आईज सिंगर ने कहा कि बीड़ी जलाई ली जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। इस गाने में महिला का जिगर कहाँ होता है, लोगों को इससे आपत्ति क्यों नहीं होती। इसके अलावा हनी सिंह ने एक और गाने का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी, जुबां पे लागा नमक इश्क का। इस गाने में महिला का इस तरह का चित्रण क्यों किया गया है, मैं इस तरह के गाने सुनकर ही बड़ा हुआ हूं, फिर भी मैं ही क्यों गलत हूं। हनी सिंह का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को दुनिया लेजेंड कहती है जबकि उन्हें गाली मिलती है। सिंगर ने कहा कि आजकल लोग दोहरा व्यक्तित्व लेकर चल रहे हैं, एक तरफ वो मॉडर्न हो रहे हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ मामलों में सोच पुरानी भी हो रही है। याद दिला दें कि कुछ समय पहले हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री फेमस की अनाउंसमेंट हुई थी। इसमें उनके असली नाम से लेकर ग्लैमर इंडस्ट्री में मिले स्टारडम का नशा कैसे उनके सर चढ़कर बोलने लगा, ये सब दिखाने जाने की बात कही गई। अपने पॉपुलर डांस नंबर्स के लिए जाने जाने वाले हनी सिंह का हाल ही में बोनीता सॉन्ग भी रिलीज हुआ। ये गाना ग्लोरी एल्बम के अंडर रिलीज हुआ। याद दिला दें कि इसी बैनर तले कुछ दिनों पहले सेलेनाइट सॉन्ग भी रिलीज किया गया था। तो ये जो हनी सिंह की बात से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।